Now we will talk about strain energy. Strain energy is basically the energy stored in the body because of strain or deformation. जब किसी body पे हम load apply करते हैं तो body deform हो जाती है और ये जो force या load body पे apply होता है ये उसके deformation के against एक work done करता है और that work done is stored in the form of strain energy. मान लीजिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात कर रहे हैं. सपोज ये लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम है, लोड एंड दिस इज डिफॉर्मेशन डेल्टा एल एंड दिस इज लोड पी. जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उसी को लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम भी बोलते हैं. मान लीजिए हम केवल इलास्टिक लिमिट तक ही इस डायग्राम को देखते हैं तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट. क्योंकि जो स्ट्रेन एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड अप टू इलास्टिक लिमिट. तो यहां पे हम ये बोलेंगे एरिया अंडर द लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम. ये जो एरिया होगा दिस विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी. तो अगर हम बात करें दिस एरिया और इसको रिप्रेजेंट करें यू से तो इट विल बी अ ट्रायंगल हाफ डेल्टा एल इंटू पी. सो इट विल बिकम 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल. मान लीजिए इनिशियल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं इंटू पी अपॉन ए और साथ में ए एल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा. पी अपॉन ए को बोलेंगे सिग्मा और डेल्टा एल अपॉन हो जाएगा स्ट्रेन. तो सिग्मा मतलब स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. ये तो अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू तो इट विल बी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सो दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. स्ट्रेन एनर्जी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं रिजिलियंस. सो रिजिलियंस इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट तक किसी बॉडी को डिफॉर्म करें या उसके पहले तक मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक कर सकते हैं तो जितनी एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में उसी को बोला जाएगा रिजिलियंस. एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं प्रूफ रिजिलियंस. प्रूफ रिजिलियंस इज बेसिकली द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट. तो रिजिलियंस और प्रूफ रिजिलियंस में फर्क सिर्फ इतना है मैक्सिमम एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट. कि रिजिलियंस के केस में हम बॉडी को डिफॉर्म करते हैं लेकिन इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड नहीं करेंगे, उसके अंदर ही अंदर स्टोर करेंगे एनर्जी. और प्रूफ रिजिलियंस के केस में हमें बॉडी को अप टू इलास्टिक लिमिट डिफॉर्म करना होता है. तो बेसिकली ये जो डायग्राम हमें मिल रहा है ये प्रूफ रिजिलियंस को बता रहा है. और अगर बॉडी को इसके अंदर कहीं तक डिफॉर्म करते तब जितना एरिया हमें मिलता देखने को, ये वाला, ये या ये, तो वो बताता रिजिलियंस को. उसके बाद एक टर्म आता है मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस. मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस इज बेसिकली प्रूफ रिजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है प्रूफ रिजिलियंस और पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पे स्मॉल यू को यहां पे बोला जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी. और ऐसा है कि इसी स्ट्रेन एनर्जी की वजह से जब हम बॉडी से लोड को रिमूव करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है. तो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेन एनर्जी.